ପଚାରିଲେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ Boys and girls, hello. Boys and girls, hello. Hello. Yes, sir. Kali jo padhai thala sab clear acha. Kali jo padhai thala cubic units of unit padhai thala samasthe clear acha ki? Yes, sir. Clear acha. Clear acha? Yes, sir. Kali magu jiba. ତାହେଲେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ପଢ଼ାଇ ଥିଲା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ପଢ଼ାଇ ଥିଲା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ାଇ ଥିଲା ନମ୍ବର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ତାହେଲେ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଦିନ ପଢ଼ାଇ ଥିଲା ନାଇଁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ୟେସ୍ ସାର୍ କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଲକି ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ ନମ୍ବର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ direction of
सर आपन को वॉइस ऑडिबल हेउनी वॉइस आसुनी बापन को कहिनी सेते वॉइस आसुनी त लिखी छी ना से कहि छी आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल ए प्लस आल्फा बी इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द लाइन कॉल्ड ओ जेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ आ माने कोन एबे साउंड सुबिला यस सर मोटा लिखि दे मोटा लिखि साइडा पर लिखि साइडा पर तो चलो वो डाला वाकिटा होती कौन ए एक्सिस का कौन कौन थी ए एक्सिस का कौन थी रियल एक्सिस रियल एक्सिस रिपोर्टर कौन कौन हो इमेजिनरी इमेजिनरी एक्सिस बोलते लाइन है ना हमें मन पका पता नहीं का कौन कौन का आर्गन प्लेन आर्गन लैंड पर क्वेश्चन लैंड देखो जेड इज इक्वल टू प्लस टू चला आल्फा बटर में जेड का मतलब क्या होगा ए ओ कोई भी क्या बेटा बेटा कौन आर्गन प्लेन रे आर्गन प्लेन में हम कौन करबा कॉम्प्लेक्स नंबर का को कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम कौन पॉइंट आ कैरी तो हम कौन बॉडी रोटेट को मन पका एटा आर्गन प्लेन रे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जको से क्वाड्रेंट रे हमें गोटा कोन पॉइंट आकार रे एटा कोन पर बॉडी रोटेट को तो जेड जेकर ए प्लस आई का भी हला तार पॉइंट आके चला ए भी है तो जी ओ आउ जेड का गोटा पर बलाई से तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द लाइन पर वो जो वो जेड लाइन का व्हिच इज पॉजिटिव डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने वो जो जो लाइन का रहेगा वो जो जो लाइन का रहेगा वो जो लाइन का रियल एक्सिस है रियल एक्सिस रो पॉजिटिव डायरेक्शन रे एटा कोन पॉजिटिव डायरेक्शन हम दुटा डायरेक्शन एतो एंगल आमे बनेबा बट लाइन ऊपर जे तो एंगल बनबा कारण तो दुटा डायरेक्शन बटन करबो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एटा बनेबा एक्स 0 एटा के तला भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन पड़बा जतले डायरेक्शन का कोन एक्स के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे कोन करबो एंगल टा कोन ऑलवेज के थेला पति तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे जतले एंगल टा बनिबो तले सेटा को हेलो बोलबो ना देखो सपोज हम गोटा कहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर गोटा लाइन लाइन रे जतले एक्स एक्सिस पर रियल एक्सिस पर एक रूप एंगल दिबो तले एटा कोन बुझि हला गोटा एउ गोटा एंगल हम मेजरमेंट करिया कोन खुसीबा हला पॉजिटिव एंगल गोटा पाइबा नेगेटिव एंगल बब कहला एंटी क्लॉकवाइज एंगल पाइबा आ गोटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन बुझि पाइलो यस सर बुझियाला ना बुझियाला ना सर बुझियाला चल इजे जो लाइन का एटा कोन वेक्टोरियल लाइन भी कोन तो बोर्ड तो वॉइस ऑडिबल हेउनी रियल एक्सिस ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन का हम एंगल का बन ये डायरेक्शन में जो एंगल का है ये डायरेक्शन में जो एंगल का है वो हम एंटी क्लॉक बाहुन पॉजिटिव डायरेक्शन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कोण एंगल का बनेगो तले सेट अप कर जो कोण आर्गुमेंट और कोण एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स हला बुझला ना नहीं तले ये जो रियल एक्सिस तले इट इज कोण डिनोटेड बा अपन तीन देखबा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए बाय
তাহলে কি বুঝি পাইল তাহলে আমি এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস উপরে দুই প্রকার অ্যাঙ্গেল পাইবা যেটা এক্স অ্যাক্সিস উপরে এউ এউ স্টার্ট এ এমটি করব রোটেশন করিব এমটি রোটেশন করিব তাহলে আপনি পাইব পজিটিভ ডিরেকশন যদি কোন হবো এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস উপরে কোন হবো লাইনটা কোন অপোজিট ডিরেকশন দিব অপোজিট ডিরেকশন তো মুভ করব তাহলে আমি বুঝব না এটা হলো কোন মানে যে হলো যেটা হলো পজিটিভ ডিরেকশন যেটা হলো নেগেটিভ ডিরেকশন ठीका डायरेक्शन रे आमे बतान कोन पाइबा एंगल का पाइबा तो एंगल का जितले कोन हो रियल एक्सिस रे ए डायरेक्शन रहबो तले आका हम कोन छ कोन ना पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ए डायरेक्शन रहबो तले ए का कोन पहला कोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना कि कोन नेगेटिव माने एला ना बुझियाला नी बुझियाला कि नहीं सर यस सर তাহলে এইটা হচ্ছে কোন দ্বীপ ইতিহাসকে তারা টু টাইস আপনারা আমি করব টু টাইস নিয়ে আমরা নিয়ে যাব ইতিহাস করব টু টাইস এর যে পেছলা টু টু টাইস এটা কোন হবে স্যার বোর্ড ক্লিয়ার আসুনি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক हम क्लास हो चुका है ऑनलाइन क्लास कैसे जाएंगे इनको मध्य में बाबा से देखो भजन गाल सासु लगी क्लियर आसले की देखो मते कहिलो ये पहला स्टोरी सेट पे क्लियर आसले आज आसले की यस सर कौन कास्ट पर क्लियर हो नहीं नेट का सब क्वेश्चन क्लियर इतिहास के तरह टू टाइप्स पहला कौन को ना जनरल आर्गुमेंट दूसरा जनरल आर्गुमेंट और वाला कौन को सेकंड वन से प्रिंसिपल అది ఒక ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది బయటపడి అప్లికేషన్ కలిగి ఉజలా ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ పైగా పెట్టనకొనొ ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవడ హల కొనొ జనరల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బాకు అప్లికేషన్ కలిగి ఉంది ఏట హౌస్ కొనొ మైనస్ పై మైనస్ పై లెస్ దన్ తీటా లెస్ माइनस का लॉस का थीटा लॉस का पेक्षा ना पाए सारी तरह का पहला प्रिंसिपल आर्गुमेंट कदर का आती थी अब यहां की बोला जनरल आर्गुमेंट दी प्रकार में पहले पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कोड कोड लाइक करबो माइनस 5 पाई पाई तो हमें पाई भी से किसी जाने जो ना नहीं माइनस पाई तो पाई माइनस पाई तो पाई तो माइनस पाई तो पाई ये ना ना यूज़ के ताला पाई ये ना वो पाई ये तो ऐसा के ताला पाई ये क्या पाई ये क्या क्या मधीरो ये क्या कुछ नाम है नाम तो पाई है ये क्या कुछ नाम है ये क्या कुछ क्या क्या ना पाई ये क्या वो ये क्या कुछ नाम है ना सी पाई वाई के ताला ये क्या कुछ नाम है ये सब कुछ करो प्रिंसिपल आर्गुमेंट करो माइनस पाई पाई करो माइनस पाई पाई पर माने इधर का वन नेगेटिव पाई माने माइनस माइनस पाई हो कितना ना पाई हो इधर का नंबर रोटेशन कर इधर ला लेकर माइनस पाई ला लेकर माइनस वन वन इनटू टू इधर का ना वन वन इधर का नंबर हैंड नंबर पाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट है माइनस वन इनटू टू आउ वन इनटू टू इधर पाई ले माइनस पाई पाई हो तो कितना ला माइनस पाई हो इधर लाइक अलग ही एक बटा पाई हो इधर का नंबर माइनस तो भय चढ़ी बोल भयस कौन चपा भय चढ़ी बोल हो ना हो नहीं।
हाउनी हाउनी सर ना एंटी केम हेला हमर कथा किलो होउची की इले माने होउची ना होउनी देखिलो देखिबा कत कह होउची की हेला ना हेलानी यस सर हेला मधुर मधुर नेट एट पर सब हम सब कौन कर अच्छा तले हम जो हम पर हम दी प्रकार होते कॉम्प्लेक्स नंबर रो हम दीटा टाइप रो कोन पर वैल्यू हम पाइबा गोटेला जनरल आर्गुमेंट गोटेला प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो कहदी बात कोन बा एम्पलीट्यूड बोले माने हला तले हम जो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो जेड इक्वल हम देखो ए प्लस कितने थल जेड इक्वल कितने थल हम देखो 1 प्लस कितने थल आई आदर पचार थबो जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड इक्वल टू कॉस को देखला आंसर ठीक है मुझे कल जो ना करबा कल जेड इक्वल 1 प्लस आई का दिस हम होता है आर्गुमेंट इन कर देखो इमिति आर बताने प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने बताने प्रिंसिपल आर्गुमेंट जितना बाहर करबा एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से हमर कोन अ पॉइंट इन एक्स एटा जेड इक्वल टू कते छला एक्स वाई एटा जेड इक्वल टू कते छला एक्स प्लस कोन वाई का वाई अच्छा ये उपिन पर कोन जेड इन एक्स एटा कोन ओरिजिन तर एठु जे तळा में परपेंडिकुलर ड्रॉ करले तर एटा कोन हिला एटा कोन एम ले कंसीडर करियो तले एटा कोन हो एटा हला एक्स एटा हला कोन वाई तले एटा हला कोन हो एटा कोन आर ले कंसीडर वो जेडटा को हमें वो जेडटा को हमें आर ले तापर हमने जो थीटा रखने का आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा थीटा के वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा में नीचे tan थीटा इक्वल टू कितना चला y / x चलो थीटा इक्वल टू का हो ना tan इनवर्स के चला y / x चलो पता नहीं tan थीटा y / x tan थीटा इक्वल tan इनवर्स y / x आगे करिया सॉल्व पछे करिया फर्स्ट में बुझवा को हमें गोटे कोण लेले जेड इक्वल टू हमर कोण हो ना x + कोण हो y / y अब पॉइंट अगर लिख ले तो y x हमें को मिलेगा ना पॉइंट पे जो जेड ना बात जेड को ले यार हो यानी पर हमें जितना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना एटा कौन हो ये नहीं ना एटा हला x एटा हला कौन हो y और ये जो हम हो x हो एटा कौन हो y ये एंगल का को बताना हमको पड़ेगा थीटा के कंसीडर ये बेटा राइट एंगल एंगल है हमें जो tan थीटा बात करवा अरे tan थीटा का फार्मूला करो tan थीटा हम करबो tan थीटा कितना हो माने zn zn / कितने ठेला कोलिंग zn का करबो p / h हेलो कि तले tan थीटा इक्वल टू कितना हबो ना कते हबो p / p / h p / p / h कोन हबो z m / कितना चला ओ एम तले z m का कितना होची y / कितना x तले tan थीटा का कितना हबो ना y / x हमर बताने पड़बो ट्रिग्नोमेट्री हम जे तले पढीबा हमर कोन कर 6टा रेशियो 6टा रेशियो हम पाइ जेबो जति कोन ना कते हला कोन हबो sin थीटा बटाला कोण हो cos थीटा बटाला कोण हो ना tan थीटा आउ थाला कोण हो cot थीटा आउ थाला कोण हो थीटा आउ थाला कोण हो cos थीटा हमर 6टा रेशियो छ एई 6टा रेशियो ने कि हम गोटा राइट एंगल ट्रायंगल भीतर हम कोण करू ना एंगल भीतर कोण रिलेशन देखु जो साइड ऊपर हम बता रिलेशन के मने हैला हमर राइट एंगल ट्रायंगल रे साइड टू साइड
ताले कोन हो एंगल टू एंगल साइड एंड एंगल भीतर में रिलेशन चेंज करबा हमर ये छोटा रिश्यू होछि बाटा गोटाला साइन थीटा गोटाला कॉस थीटा गोटाला टैन थीटा गोटाला कॉट थीटा गोटाला सेक थीटा गोटाला कोसेक थीटा हमें छोटा को लेके हमें बताना कौन पर आगीबा मैं छोटा रिश्यू लेके मेजरमेंट कर ताले साइन थीटा का फार्मूलाटा कौन थीला थीटा का दिया के साइन थीटा का थीला कौन हो b / h cos थीटा थीला केता हो ना b / h tan थीटा थीला कौन हो ना b / b दूसरा कौन आर उल्टा एरा के तो h / b और sec थीटा ना केते थीला सॉरी cos थीटा थीला केते ना यार tan रो उल्टाटा केता हो b / b / t और sec थीटा ना थीला कौन हो cos रो उल्टाटा हम कौन हो तोला h / b केता हो अब cosec थीटा ना केता हो ना h / b केता थीला यदि ताला हमरा बताना कोन छोटा रिसीवर b / h b / h b / b b / b h / b आउ तला h / b आउ तला h / b एती हम जाने छ छोटा रिसीवर माने छ बॉयज बुझि करतो ना नै बॉयज अंदाज बुझि करतो यस सर ताला ये जो छोटा रिसीवर थिला ये छोटा रिसीवर ने के हम राइट एंगल ट्रायंगल कोन को बनो देखो आ तो हम राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल ने बताना कोन एला ये एटाला c एटाला b एटाला h एटाला कोन हो p एटाला कोन हो p एटा जे तले थीटा हबो ताले एटा कोन एटा हला कोन 90 डिग्री एटा के दई हो एटा के कोन 90 डिग्री माइनस थीटा हम एटा नै नै h गोटाला p गोटाला कोन हो p अच्छा हमर बताने कोन हबो ना हम जे तले एंगल हर को तो एंगल को गोटाला गोटाला कोन हो 30 डिग्री 30 डिग्री गोटाला 60 डिग्री आ गोटाला कोन 90 डिग्री तर आम एक फास्ट क्वाड्रेंटर चारिटा क्वाड्रेंटर फास्ट क्वाड्रेंटर वैल्यू होची 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आ गोटा केते 90 डिग्री एति के हमर अच्छा ता पर कोन फास्ट क्वाड्रेंटर ताले सेकंड क्वाड्रेंटर डायरेक्ट डिफरेंस ता केते हला 15 डायरेक्ट डिफरेंस ता केते हला 15 डायरेक्ट डिफरेंस ता केते हला 30 ताले नोबल नोबल इनिशियल के ताला सेकंड पर 120 120 रे 15 मिसेल के ताला 150 इनिशियल के ताला 150 एति के ना ताले को ताला कोन 0 डिग्री बटा 30 डिग्री बटा 45 डिग्री बटा 60 डिग्री बटा 90 डिग्री ताले 120 120 135 150 अब ताला माने एति के हमर 100 इस बार सेकंड क्वाड्रेंट बोलायला फुल सेकंड क्वाड्रेंट रे हम जे थर्ड पार्ट बाहर 30 मिसेल जहाँ आसो 15 मिसिबो जहाँ आसो 15 डिग्री मिसिबो जहाँ आसो 30 डिग्री मिसिबो ए भली भाबे आमे सब सेटा पछर कथा हम पढिबा बर्तन गाडिया दरकार प्रथम रो 0 रो 1 एटी भीतर तमे जानि जहाँ कोन हो ओटा 0 डिग्री ओटा 30 डिग्री ओटा 45 डिग्री ओटा 60 डिग्री ओटा 90 डिग्री ओटा 120 ओटा 135 ओटा 150 ओटा एति हम जानि जे पहिले हम कोन जाचे साइन रो 0 डिग्री के ताबो साइनर 0 डिग्री मतलब 0 तो साइनर में चला साइनर 0 डिग्री 0 साइनर में चला 1/2 चले साइनर में चला 45 डिग्री का होची ना 1/2 के चला चले साइनर में चला 60 डिग्री होची तो भाई जाबे ना √3/2 चले साइनर के तो होबो 90 डिग्री का के चला इनके चला 1 चला 0 डिग्री गोटा हला कोन 30 डिग्री भर हाफ তাহলে এই ভাবে ভাবে আমরা বলতে পারবো অ্যাঙ্গেলটা মেজারমেন্ট করব এটা তুমি জানি তো সাইন এর 0 ডিগ্রি 0 সাইন এর 30 ডিগ্রি 1/2 সাইন এর 40 ডিগ্রি 1/2 মাইনাস 60 ডিগ্রি 3/2 সাইন এর 90 ডিগ্রি 1/2 তাহলে আমরা যদি উল্টা দিই আমি কোন পাবো cos এর উল্টা মানে উল্টা মানে করব 0 ডিগ্রি ভাগ cos এর 0 ডিগ্রি ভাগ তো 1 cos এর 30 ডিগ্রি 1/2 √3/2 1/2 1/√2 1/2 1/2
তাহলে সাইন কোস বাকি আমি ট্যান ও রেজাল্ট দিতে পারিবা ট্যান থিটা রেজাল্ট দিতে পারিবা না ট্যান থিটা রে কত লিখতে হবে সাইন থিটা হবে কত ট্যান কোস কোস থিটা ফাইনাল ফাইনাল সাইন কোস ট্যান মিলে গেল মানে বাকি রেস্ট পড়বা কোস সেক কোস সেক মানে বুঝিয়ে লাগি বুঝিয়ে লাগি यस স্যার বুঝিয়ে না বুঝিয়ে না মতে यस স্যার বুঝিয়ে না আমি যেতে অগমেন্ট ভাগ করিবা অগমেন্ট বা অ্যাম্পলিটিউড ভাগ করিলে আমার সবরে কোন করে আমার কোন মেজারমেন্ট করে করবা অ্যাঙ্গেল এটি ইকুয়াল টু হবা ট্যান থিটা ইকুয়াল টু হবা ট্যান থিটা ইকুয়াল টু y / s তাহলে আমি লিখতে পারবো অগমেন্ট যেটা লাগবা অগমেন্ট যা করতে চলা যে অগমেন্ট ট্যান ইনভার্স এটা কত হলো y / x ট্যান ইনভার্স কত হলো y / x বুঝে লাগি ফর্মুলা তার আর্গুমেন্ট আমি বর্তমানে নউছে কোন সাইন এর সাইন এর 30 সাইন এর 30 ডিগ্রি কত 1/2 জানি জানা নেই মত বুঝে লা না নেই মত সাইন এর 30 ডিগ্রি হবে কত হচ্ছে 1/2 বুঝে হচ্ছে না বুঝে হচ্ছে यस স্যার বুঝি হচ্ছে বর্তমানে 30 ডিগ্রি কত উপরে साइन रो केते डिग्री रो वैल्यू टा 1/2 आउ तरे बुझाओ বুঝলে কি সাইন এর 30 ডিগ্রি ভ্যালু কত খেলা 1/2 তার মানে আমরা কোন বুঝলে সাইন এর এটি 30 ডিগ্রি এর ভ্যালু কত আমি 1/2 বলছি যদি সাইন ইনভার্স এর 1/2 কইলা মানে আমরা যদি মেনশন করা যে সাইন এর কত ডিগ্রি এর ভ্যালু সাইন এর কত ডিগ্রি এর ভ্যালু 1/2 এটি 30 ডিগ্রি টাকে নিয়ে কি আমরা কোন ভ্যালুটা বলছি সেটি উল্টা বলছিও যে ভ্যালুটা নিয়েছিব আমি ডিগ্রি থাকে খেলা এটা হচ্ছে বুঝলা না বুঝলে নি বুঝি পাইলো না বুঝিলে স্যার তাহলে আমু তো কত খাবো আমু দেইছো বল জেড ইকুয়াল টু কত দেইছো না 1 ও আই আমি কেমিক তাহলে সলভ করিবা জেড ইকুয়াল 1 তাহলে তো মানে মানে কোন নাম্বার হবে না প্লাস তো আইটা ইকুয়াল টু হলো মানে তাহলে আইটা ইনটু 1 ইনটু হইলো মানে কি কোন ভাই কি হল কত হবে এই x এর ভ্যালু কত হবে তাহলে কত হবে y এর ভ্যালু কত হবে মানে মানে x এর ভ্যালু হল y এর মানে মানে গণি পাইলো না নাই কত কি হচ্ছে বুঝি পাইলো না নাই x এর ভ্যালু মানে यस স্যার বুঝি পাইলো তো আচ্ছা এটি a b নিতে নি x এ নিতে হবে তাহলে আমি ভাগ করে করব আর্গুমেন্ট অফ z কত হবে তাহলে আর্গুমেন্ট অফ z কত হবে আর্গুমেন্ট অফ z কত হবে ইকুয়াল টু ফর্মুলা কোন না ট্যান ইনভার্স কত হবে y / x তাহলে ট্যান ইনভার্স y / x লবিলে ট্যান ইনভার্স y / x বুঝে লাগি আচ্ছা ট্যান ইনভার্স y / x কেন আমি সিম্পল করতে আছি যদি তাহলে ট্যান ইনভার্স কত হবে y এর ভ্যালু কত 1 x এর পর y এর ভ্যালু 1 তাহলে কত হয়ে গেল ট্যান ইনভার্স কত হবে 1 এটি কোশ্চেন বলতালা ট্যান এর ভ্যালু কত হবে 1 বাস বুঝে গেল মো কথা বুঝে গেল না নাই tan এর কত ডিগ্রি এর ভ্যালু হচ্ছে বাবা tan এর কত ডিগ্রি এর ভ্যালু আর কত হচ্ছে কত ডিগ্রি এর ভ্যালু পরিচয় না পড়িনো এটা হলো 45 ডিগ্রি এর ভ্যালু কত হলো tan এর 45 ডিগ্রি এর ভ্যালু আর জানি হচ্ছে না নাই tan এর 45 ডিগ্রি এর ভ্যালু আর এটা tan এর কত আমি জানিবা
তার মানে কি তাহলে সাইন হলো তাহলে 45 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই যে তাহলে cos হলো তাহলে 45 ডিগ্রি সাইন অফ 45 ডিগ্রি তাহলে 1 বাই √2 ডিভাইডেড তাহলে 1 বাই তাহলে 45 ডিগ্রি হয়ে গেল মানে সাইন হলো তাহলে 45 ডিগ্রি হয়ে গেল তাহলে মানে হয়ে গেল মানে তাহলে 45 ডিগ্রি কো লেখা যায় তাহলে পাই বাই সাইন পাই বাই কো লেখা দিব না পাই হলো 180 180 4 কা 4 কা তাহলে এটা কোন হবে 45 ডিগ্রি পড়ে আসে তাহলে tan cos 1 মানে tan प्रिंसिपल जनरल তাহলে জেনারেল আর্গুমেন্ট জেনারেল আর্গুমেন্ট অফ জয় আমরা ফর্মুলা থিটা cos থিটা 2 পাই ফর্মুলা করার মধ্যে আমরা থিটার ভ্যালু কত হবে না tan ইনভার্স কত তাহলে y বাই x cos হচ্ছে তাহলে 2 পাই এই ডেটা হচ্ছে তাহলে এই কি কি লেখা গেল কাই কি লেখা গেল জেনারেল আর্গুমেন্ট করব খালি আমরা করব tan এর 45 ডিগ্রি তার ভ্যালু করব অলগা কি ভ্যালু হচ্ছে আর গোটাই করব তার ভ্যালুটা ই মধ্য মানে মানে আমার যে রোটেশন করা দেখো ইনটু স্টার্ট করি তো আমার কিছু ভ্যালু আছে সেটা ভ্যালু আছে যে ভ্যালুটা কথা বলা হচ্ছে ইনটু এখন পরে তাহলে দিব আমরা তো কাজ করব সেটা আমি করব সব নরমাল আর দিনে আমি কাজ করি পাই এই 2 পাই কে লিখি যদি এর ভ্যালু 1 হয় তাহলে কি হবে এটা লাগে tan ইনভার্স কত y / x এর ভ্যালু কত পাই / 2 cos h ne bhi banabo 2 pi eta la k er value jodi 1 ne bhitar ma tale ki hoche eta la h er value ke pet hola 4 eta la pi cos h chala 8 pi mane 8 pi er pore 9 pi by tale 9 pi by 4 er value mata 1 ase bujhela 4 jodi banabo k jagar 2 put kari ahuri value varibo k jagar 3 put kari to bote talo karantu se value सेती पाई आपु कोन को बोल जनरल आर्गुमेंट बोल जनरल जनरल रो मीनिंग का कोन कहिथि जनरल मीनिंग का माने कोन हम ओ हम हमी एते टर्म तो माने रखि परेनी ओटा बुझेलाना नहीं तो हमें बहुत गुड़े भेल आसे तुम सेति पाई हमें बराबर पर्टिकुलर पढ़ाबो या तो जनरल फार्मूला के एक फार्मूला आने बता ए इक्वल टू द फार्मूला तो tan इनवर्स y / x cos θ पाई / 4 2 पाई वाला ये जगह के तो और गुड़े जनरल फार्मूला भरिबो ये जगह 3 पे पर आउट वैल्यू भरिबो ये जगह 4 पे आउट वैल्यू भरिबो तो सेति पाई हमें गुड़े पढ़ाबो जनरल फार्मूला क्रिएट करा देते से जनरल फार्मूला cos θ थीटा वैल्यू भला हमर कोन बालनपुर cos লেখা লাগ বাই হ্যাঁ তাহলে আমরা জেনারেল জেনারেল আর্গুমেন্ট আছে বা জেনারেল আর্গুমেন্ট না tan ইনভার্স জেনারেল আর্গুমেন্ট আছে বা না tan ইনভার্স তো tan ইনভার্স y / x এটা মানে কি করব tan ইনভার্স y / x cos θ 2 পাই ফরন তাহলে কি হবে প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট আছে পরে -5 माइनस पाई बिन पाई बिन पाई इधर जहाँ आसीब हो अरे सेटर कर दो प्रिंसिपल आर्गुमेंट मैं काफी पहले कौन कहलो एम्पलीट्यूड बोलिए आने का मुझे लगे मुझे लगा बताने जनरल आर्गुमेंट के अंदर वो जनरल आर्गुमेंट सो पड़े पन को जनरल अगर लिखित हो जनरल आर्गुमेंट का फॉर्मूला कौन तो फिर हमें लिखित हो फॉर्मूला लिखित हो पता लगा ना वो आर्गुमेंट हमें कैसे भाग कर लिया प्रिंसिपल 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 के तरह आर्गुमेंट और भाव का आंपलीट्यूड सर सो कौन नहीं हां पढ़ाला देखा जाओ नहीं नो सर माने को व्हाइट बोर्ड पे देखा जाओ नहीं ये जो लेक्चर लिख के देखा जाओ नहीं अच्छा
general argument ta tike dekha jauni aau tike talu karantu principal minus kete chala pi minus pi ru pi bhitare light pele principal argument ame apichu boli tapare kon hobo general argument kon hobo na apichu ru to set general argument batala general argument ro formula kon general argument pa general argument formula general argument khali general argument kon hobo na apichu काही जनरल आर्ग्युमेंट रे काही जे ना अपेक्षित संगे 2 पाई ते आर बनाला कारण माइनस पाई रु पाई भीतर जति की वैल्यू असला ताले आमे तो प्रिंसिपल आर्ग्युमेंट बोल ताले माइनस पाई रु पाई को छाडी देला परे आमे तापर कोन आमे आहुरी कोन असंख्य वैल्यू आमे पाई तो से वैल्यू गुरा कोन पाई एते त आमे लिखि परिबा नि तो ताको आमे कोन बोटा जनरल आर्ग्युमेंट बोल रे जनरल आर्ग्युमेंट को कोन लिखबा ना अपेक्षित को जेड प्लस के थाना 2 पाई ଏତିକିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ ଜେନେରାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କହିବ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ଜେଡ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ ଜେଡ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ ଛାଲା ନା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଛାଲା ଆମକୁ
মনে Principal argument
amplitude of the formula kon pi minus alpha ane to hoye gala pi minus alpha ko kete gala pi by 3 pi by 3 ele n pi ele g pi minus gala pi by 3 direct pi by principal argument ba jhatu na argument of z principal argument ba jhatu argument of z will come kata ga amplitude of z konte formula pulayla kite 2 pi by 3 asla manaku ka ye bandane second quadrant la ila asla jo question da nau chesra second quadrant la ichkole tale theta da vetal bahariba ba argument of z equal to theta argument of z equal to theta theta da bahar kariba ta formula da konela na theta la pi minus ke theta alpha tale ke theta pi rahila minus alpha da vetal pavo theta la pi by 3 pi minus alpha वर्ग के तो बच पाई बे पाई बे पहले कितना है ला g पाई minus pi वाले कितना है g पाई बे बुझे ला ना नहीं बुझी पाई लो ना बुझे ला ये सर बुझे ला अब उससे पचारी बा जन्ना ला argument के निहार करी बा जन्ना ला argument के निहार करी बा जन्ना ला argument का नाम है बा बच्चों ने आपकी चीजों को जड़ कर दी अलापकी चीजों को जड़ कितना हो ची g पाई बे माइनस फाइव पाई माइनस फाइव पाइव माइनस 180 भीतर रहउते ना सही कोडी सही कोडी ले कोन 180 भीतर लाइट करती ना नाही पते को प्रिंसिपल आर्गुमेंट हबा कहले माइनस 5 पाई भीतर माइनस 5 रो पाई भीतर लाइट माइनस 5 पाई झाला माइनस 5 इतना माइनस 5 ते झाला पाई भीतर कोन आहे माइनस 5 ते माइनस 5 ते दिली अच्छी ना सही कोडी जो लेते भाला लागले नाही पाई वाले जो 2 पाई बाय 3 भाग कर सीधा रोही बना नहीं मिलती को पाई बाय 3 माने कौन बुझ जामी पाई बाय 3 पहला माने 60 डिग्री 180 बाय 3 के तला 60 है 60 गुने के तला 100 गुने 100 गुने के तला माइनस 5 पाई भी तो रोही बना नहीं को हेला कि नहीं बुझे हेला कि नहीं मिलती को बुझे हेला ना नहीं तो जनरल आर्गुमेंट आउट रे बुझे ले तो रखो ठीक है इधर प्रिंसिपल आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट हां नाय सर बुझी हला नी प्रिंसिपल आर्गुमेंट हां प्रिंसिपल आर्गुमेंट का माइनस 5 रो पाई भीतर लाइट माने माइनस 180 रो जतला 180 180 रो हमें गणि गणि के तला दिन आनिया पूरी जीरो रो नेगेटिव आसी पर माइनस 1 है नहीं वो बेटा सुन कर जाओ 180 रो हमें काउंट कर कर कोन आनी बा जीरो पर सी पूरी जीरो रो नेगेटिव पर आसी कोन माइनस 1 इनपुट तो बस तले माइनस 1 इनटू रो 180 भीतर এটা 2 পাই বাই 3 লাইট করিব না নাই সে কহুছি প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট আমি সেই মান কইবা সেই অ্যাঙ্গেল কো আমি প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট কইবা যো ভ্যালুটা মাইনাস পাই রো পাই ভিতরে লাইট মাইনাস 180 রো কেতা 180 ভিতরে যো ভ্যালুটা লাইট করিব তাহলে আমি তো করব প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট কইব মো কথা বুঝি হেলা না বুঝি হেলা ইয়েস স্যার স্যার জেনারেল আর্গুমেন্ট বুঝান দু পুরা जनरल आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट जो फार्मूला का जनरल फार्मूला का एम्पलीट्यूड प्लस 2 पाई चला एम्पलीट्यूड का कितना है ना 2 पाई बाय 3 ता जगह पहले में 2 पाई बाय 3 ता अपन पर 2 पाई ता पर r पर 2 पाई ये बिलम टू गेट तो पूरा असुविधा डायरेक्ट फार्मूला हमें तो मन में चला करने डायरेक्ट जनरल फार्मूला है का प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फार्मूला है अब कुछ हम पढ़ेंगे सर एति के स्लोप सॉल्व है छी तेरा वो सॉल्व है बनी आ कुछ होई एटा बात आंसर इति की का एटा आंसर टा बुझेला ना बुझेला ना यस सर आ एटा टिके ट्रिकोडी पढाई दे टिके इजी थांका जेतु पढाई नी टिके लागो तथापि देखो এটা জেডি জোন আমরা দেখিবো
z equal to tala minus root 3 minus kete tala root 3 minus 5 z equal to tala minus root 3 tala kete tala minus 5 tala kete solve kari aji tala z equal to tala na minus kete tala root 3 plus kete tala minus 1 into 5 ठीक है लगे नहीं मतलब को बुझे लगे नहीं मतलब को z equal to tala minus root 3 प्लस के तला माइनस वन आए बुझेला अच्छा बताने कि एक सर भल के तब को यदि एक सर भल का कितना एक सर भल का यदि कितने यदि एक सर भल का कितना ला माइनस कितने चला तले वाई भल का कितना हो माइनस वन ये गला एक सर भल के तला माइनस कितने वाई भल का माइनस हमारा फॉर्मूला कौन है अल्फा फॉर्मूला कौन है ना क्या इनवर्स कितने चला वाई बाई एक्स कितना हो इतने खाएं क्या इनवर्स कितना अल्फा भल তাহলে পকেই বাট তাহলে এটা কত হয়ে গেল tan ইনভার্স এটা কি তাহলে y এর ভ্যালু কত minus 1 ডিভাইডেড বাই কত তাহলে x এর ভ্যালু কত তাহলে minus এটি কি কোন হয়ে গেল মোড minus minus কত গেল এটা কত হয়ে tan ইনভার্স কত তাহলে 1 বাই কত কো tan এর কত ডিগ্রির ভ্যালু কত তাহলে 1 বাই tan এর কত ডিগ্রির ভ্যালু কত তাহলে 1 বাই কো কত তাহলে 30 ডিগ্রি ভেরি গুড 30 ডিগ্রি কেমতে লিখিবা बुझेगा गुणी देले सेटा रेडियन रे कंफर्म कारण हमरो आंसर टा सब जको रेडियन फॉर्म रे अछि त सेति पई हमर क्वेश्चन रे को सब जको रेडियन फॉर्म रे कन्वर्ट करके सॉल्व कर बुझियाला बुझियाला ना बुझियाला ना यस सर तले बर्तन में देखिबा ए दीटा का वैल्यू टू क्वाड्रेंट रे लाइस ए दीटा का वैल्यू टू क्वाड्रेंट रे लाइस कोइटा एरा बर्तन टू क्वाड्रेंट रे लाइस कोछ एक्स रो वैल्यू केताला माइनस रूट थ्री आ वाई रो वैल्यू केता छला माइनस वन एटा को क्वाड्रेंट में लाइज मतलब को यदि एक्स टाउ टी नेगेटिव वाई टाउ टी नेगेटिव तले को क्वाड्रेंट लाइज करिवो फर्स्ट रे लाइज करिवो ना सेकंड रे करिवो ना थर्ड रे करिवो ना फोर्थ रे करिवो फोर्थ रे करिवो को फोर्थ रे करिवो एटा देखो ए क्वाड्रेंट लाइज करिवो थर्ड क्वाड्रेंट रे करिवो एक्स रो क्वाड्रेंट 3 তাহলে এটি বর্তমানে ভাগ করিবা ওটার কোন প্রিন্সিপাল 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 আর্গুমেন্ট করব জিরো করব প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট মাইনাস আপনি জিরো জিরো তে কালা থিটা জিরো তে কালা থিটা জিরো তে কালা মাইনাস থিটা বাই মাইনাস থিটা জিরো টু মাইনাস বাই মাইনাস আলফা কে তাহলে মাইনাস রইলা এটা লাগে তাহলে বাই माइनस अल्फा वैल्यू कितना है 5 बाय 6 देखिए हमने 5 बाय 6 को पहले 5 बाय 6 को पहले कितना आला माइनस बेटा कितना आला 6 स्क्वायर माइनस 5 बाय कितना आला 6 पहले कितना आला माइनस 6 स्क्वायर माइनस 5 वाले कितना आला 5 5 बाय कितना आला 6 बुझियाला बुझियाला ना नहीं यस सर बुझियाला यस सर माइनस 5 5 बाय 6 था बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हवा ना नहीं दिखाइबा আমি দেখিবা মাইনাস 5 রো পাই ভিতরে লাইজ করতে না আমি এটি চেক করিবা তাহলে কি তাহলে মাইনাস 5 5 রইলা কিন্তু পাই বাই 6 রো ভ্যালু কত পাই বাই 6 রো ভ্যালু আমি করতে মানে তাহলে 5 রো কত পাবো মাইনাস 150 ডিগ্রি মাইনাস 150 ডিগ্রি মাইনাস 5 রো হ্যাঁ লেস দেন থিটা লেস দেন ইকুয়াল টু পাই আর ভিতরে লাইজ করতে না যাও জানতি ওকে না না মাইনাস মাইনাস 150 রো মানে মাইনাস 100 রো মাইনাস 100 এর ভিতরে माइनस वन कितने अच्छे रहोगे ना नहीं अरे रहोगे ना यही तो वन का बोला रहोगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट भाग चला पड़े आप अपने पता है जनरल आर्गुमेंट का फॉर्मूला पता कौन सा फॉर्मूला तो सब रहने पर आपली चीजों को जेड अरे आपली चीजों को जेड कितना ला माइनस कितना चला फाइव पाई बाई कितना चला माइनस फाइव पाई बाई सिक्स क्रॉस कितना ना टू पाई बुझेला ना बुझेला नहीं माइनस के तला 5 पाई बाय 6 यस सर हेला ना हेला नहीं
बुझेला ना बुझेला नहीं यस सर बुझेला चल बता ना हम किसी डिस्कशन कर दवा कौन पढ़ेगी हमें जो पढ़ो चले कौन बा आर्गुमेंट और कौन बा एम्प्लीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स ता माने ओटा कॉम्प्लेक्स नंबर देई चले हमें तार कौन बा एंगल केमिति भा एंगल केतरा ओइरा रे रा तारे एंगल रो मीनिंग ता कौन शेप होची जेहेतु गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर टा गोटे पॉइंट आकर रे हम होची लिखि परबा गोटे क्वाड्रेंट जे रे हम जे तले कौन बा ओरिजिन से पॉइंट पर हम जे तले कौन बा ड्रा को चेता लाइन टा में ड्रा कर जे त ता धीरे हम कौन बा सेई लाइन टा कौन करबो ना रियल एक्सिस रो पॉजिटिव डायरेक्शन रे जो एंगल टा बाहरबो तारे सेई टा को हम कौन बोलो आर्गुमेंट और एम्प्लीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स मन रहिला हम कौन कहली गोटे लाइन ऊपर हम बताने ए रियल एक्सिस ऊपर जो एंगल टा करबो तले हम तो कर कौन बा आर्गुमेंट और एम्प्लीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स मन रहिला आर्गुमेंट ऑफ एम्प्लीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दीटा के छ ग्रेटर ऑफ मॉडुलस आउ का से कौन बचि दीटा को कौन रिलेशन आ सिक बुझेला जेड मॉडुलस और थीटा पर रिलेशन आ सिक तू बते नेक्स्ट क्लास रे बतेबा अच्छा जेते बेले बताने में तार दीप दीटा टाइप ऑफ कौन बो हमर एंगल गोटे एंगल टा कौन बो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बा एम्प्लीट्यूड बा जो आउ का एंगल टा जनरल आर्गुमेंट बा एम्प्लीट्यूड बा कल के तो हो कल प्रिंसिपल आर्गुमेंट के भाड़ीबो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बा जाको एम्प्लीट्यूड कोंदे तार फार्मूला कोन केवल टैन इनवर्स वाई बाय एक्स टैन इनवर्स वाई बाय एक्स जो एंगल का भाड़ीबो सही एंगल का माइनस पाई पाई भीतर जो लाइज करथबो ताले आमे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बा जाको एम्प्लीट्यूड बोली बुझेला तापर जनरल आर्गुमेंट कोन ना एम्प्लीट्यूड प्लस 2 पाई 2 पाई के काही जाड़ेला ना खाली आमे कोन बो जे एंगल का थरे रोटेशन करले जे 45 डिग्री हो सिमिति ना से एंगल टाइम तो दिथरो रोटेशन करसला पर भी गोटे पॉइंट रे मध्ये सेटा कोन बा 45 डिग्री आसी पाई फुनी आउ दिथरो मध्ये रोटेशन करले 45 डिग्री आसी बार चांस तने एंगल का सेम ती एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जितला रोटेशन करथबो ताले कोन बा टैन रो 45 डिग्री कोन बा अनेक गुडी कोन बा वैल्यू आमे पाइबा जोरा वैल्यू रा का सब जगह कोन बा मोके त बुझी पडछ ना बुझियोनी बुझे हो ना नहीं ताने आमे जे जे बता एक रो अधिक वैल्यू रा पाउछे तो आमे तो एते वैल्यू आमे लिखि परिबा ना तो ताको आमे जनरल फॉर्म रे में कन्वर्ट कर ता से दे आपण को जनरल फॉर्म जो बनबो ना आर्गुमेंट आप्लीकेबल ई जगह रे पके देले हमर बता में एते जो प्रिंसिपल वैल्यू रा आसीबो सेटा प्लस 2 बाय 5 पार कर दबा ताले में जनरल फॉर्म आर्गुमेंट बाय ता माने आमे जे जगह रे जदी 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 बढ़ी चलते बहुत प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो वैल्यू कथा बुझेला पुनी नेक्स्ट क्लास रे जब हम डिस्कशन करिबा ए विषय रे उत्तर हम पढिबा कोन आर्गुमेंट और एम्प्लीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स हम जे नबुझि पार्थिबो नेक्स्ट क्लास रे काली पुनी करे हम डिस्कशन कथा बुझि पाला समस्त बॉय जान के बुझेला कि ना कोड बुझेला कि हां दुदु स्टॉबिल हां ए ए क्वेश्चन देखो तमे आउथरे ट्राई करिबो होति ना नै मो कथा सुन मु देइनी मटेरियल देइनी एक पैका और असुविधा जे देइनी तमे दे दे किनु तमे एटा जति पढि चलो वही तो वही पढ़ते हैं मुझे लगा कालिया नेक्स्ट अगेन एक जगह आउटर पे पढ़ मुझे लगा मैं भावुचित तो मैं क्लियर ही नहीं थे किसी किसी रोई जाइए तो आउटर पे पढ़ेंगे क्लियर मुझे लगी यस सर ओके ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू तब देन